हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मेरे पास एक बाइक आई हुई है जो एचएफ डीलक्स बाइक है। इसका फुल इंजन का काम मात्र 2 दिनों पहले किया गया। ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। ये 2 मैकेनिक को दिखाए लेकिन इसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। तो चलिए, ये मेरे पास आई हुई है, अब हम इसको देखते हैं कि इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है जो 2 मैकेनिक भाई ने इसको बना नहीं पाया। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, आपको लाइव दिखाएंगे कि आखिर इसमें फॉल्ट क्या है जिसकी वजह से ये बाइक चालू नहीं हो रही है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर इस कंडीशन में कभी भी आपके पास बाइक आए तो सबसे पहले आपको इसके कंप्रेसर को चेक करना होगा। तो इसको कंप्रेसर को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें प्लग को खोलना होगा। तो चलिए इसके प्लग को हम खोल लेते हैं। 16-17 के स्पैनर की मदद से ये खुलेगा। ये 16 नंबर के स्पैनर से खुलेगा। तो चलिए इसको हम खोल लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक हाथ को लगाएंगे और एक हाथ से किक को मारेंगे और देखेंगे कि हमारी बाइक में कंप्रेसर है कि नहीं। ये देख सकते हैं बाइक में कंप्रेसर बिल्कुल सही है। अब इसके बाद हम इसके टाइमिंग को चेक करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं। इसके मैग्नेट कवर को हम खोल लेते हैं और खोलने के बाद देखते हैं कि इसका टाइमिंग और इसका टाइमिंग दोनों परफेक्ट है कि नहीं। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने यहाँ से ये पिस्टन टॉप पे कर दिया और इसको भी यहाँ पे टॉप पे कर दिया। अब इसके प्लग में हम चलिए खोल के देखते हैं कि पिस्टन हमारा टॉप पे है कि नहीं। इसमें हम पेचकस को ना के देख लेंगे कि पिस्टन हमारा टॉप पे है कि नहीं। ये देख सकते हैं दोस्तों, पिस्टन हमारा टॉप पे नहीं है। इसका टाइमिंग गलत है, इसीलिए बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो चलिए अब हम इसका पिस्टन टॉप पे लाते हैं सही तरीके से और फिर हम बाइक को स्टार्ट करके देखते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसका हमने टाइमिंग परफेक्ट मिला दिया और इसके टैपिट को भी मिला दिया। अब हम इस बाइक को स्टार्ट करके देखेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारा बाइक स्टार्ट हो गया है।